नमस्कार, मैं हूँ सुमन। प्रेम एकम प्रेम, प्रेम दुनी विश्वास, प्रेम तिया बंधन, प्रेम चौ के त्याग। पहले लोग त्याग करते थे ताकि करके भुला सके, अब लोग एहसान करते हैं ताकि कभी गिना सके। खुशी का सबसे बड़ा रहस्य त्याग है। शुक्राचार्य के श्राप से जब महाराज ययाति एकाएक बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने 5 पुत्रों से उनकी युवावस्था मांगी। ज्येष्ठ पुत्रों यादु, तुर्वशु, द्रहु और अनु ने उनका अनादर करते हुए अपनी युवा अवस्था देने से मना कर दिया, पर उनके छोटे पुत्र पुरु ने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उन्हें अपनी युवा अवस्था दान कर दी और बदले में उनका बुढ़ापा ले लिया। बुजुर्ग ययाति युवा हो गए और युवा पुरु बुजुर्ग। लंबे कालखंड तक समस्त सुखों को भोगने के पश्चात एक दिन ययाति पुरु के पास आए और कहा, पुत्र अब तुम अपनी युवावस्था ले लो और मुझे मेरा बुढ़ापा दे दो। तुमने मेरी इच्छा का सम्मान करते हुए अपनी युवावस्था मुझे दे दी, सो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब से यह राज्य भी तुम्हारा है, तुम सुखपूर्वक इसका भोग करो। मैं अब वन में जा रहा हूँ तपस्या करने और अपना अंतिम समय भी वहीं बिताऊंगा। पुरु मुस्कुराए, पूछा, आपकी इच्छा का सम्मान करना मेरा धर्म था, किंतु क्या आप संतुष्ट हैं पिताश्री? ययाति ने उत्तर दिया, नहीं, 1000 वर्षों का विलास भी मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। किंतु तुम्हें तुम्हारी वस्तु तो वापस करनी ही थी, सो चला आया। पिताश्री, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आगे भी मेरी युवा अवस्था रख सकते हैं, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपनी अवस्था से संतुष्ट हूँ। मुझे सुख का लोभ नहीं है, ना ही मैं आपको अपनी युवावस्था देने के बदले आपसे राज्य लेने का चाहत रखता हूँ। पुरु ने प्रसन्नता पूर्वक ये बातें कही। ययाति ने आश्चर्य से देखा। पुरु उनके भाव समझ गए, कहा, भोग मनुष्य को कभी संतुष्टि नहीं देते पिताश्री। मनुष्य जितना ही अधिक सुखों का भोग करता है, उसकी भोग लालसा उतनी ही तीव्र होती जाती है। मनुष्य को संतुष्टि त्याग से मिलती है। ययाति देर तक सोचते रहे, फिर कहा, तुमने ठीक कहा पुत्र, भोगों से मुझ पर 1000 वर्षों में भी संतुष्टि नहीं मिली, पर अब मैं संतुष्टि चाहता हूँ। यह मुझे त्याग से ही मिलेगी। मैं अब यह युवावस्था त्यागना चाहता हूँ, तुम इसे ले लो। पुरु ने हंसकर स्वीकार कर लिया। वे युवा हो गए और ययाति बुजुर्ग। ययाति प्रसन्नता पूर्वक वन की ओर चले गए, किंतु समय ने देखा, इस बार भी त्याग पुरु नहीं किया था। त्याग क्या होता है, जरा उन पतझड़ के पत्तों से पूछना, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों को छाया देकर खुद बिखर जाता है। कभी कभी अपनों की खुशी के लिए अपनी खुशी का बलिदान देना पड़ता है।